नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके और हमारे YouTube चैनल विजय बाबा इन्फोटेक पर। मैं विजय धाकड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आइए देख लेते हैं, बदनावर मंडी से प्याज की रिपोर्ट मिल चुकी है, क्या कंडीशन बनी है प्याज को लेकर। कहीं ना कहीं प्याज में आज सभी मंडियों में अच्छे भाव में देखने को मिल रहे हैं। प्याज में वाकई में आज हम हल्की सी तेज़ी मान सकते हैं, क्योंकि कुछ एक लोट जो है काफ़ी अच्छे रेट पर बिक रहे हैं, जो जैसी क्वालिटी वैसा दाम वहाँ पर मिल रहा है सभी मंडियों की अगर बात करें तो। आइए बदनावर मंडी से देख लेते हैं कितनी आवकें हैं, कितना मार्केट रहा है, मार्केट का चलन कैसा रहा है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास आए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आपको समय से और जल्दी मिल जाए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन है जो एक दो दिन से मेरे यहाँ पर ध्यान में आ रही है, और काफ़ी लोगों ने मुझे बताया भी है, कमेंट करके भी बताया है कि कुछ लोग जो है अपने जिस चैनल का जो है थंबनेल चुरा कर अपने उस चैनल पर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें मेरी फ़ोटोज़ भी यूज़ हो रही है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सभी किसान भाई, कि मेरा एक ही चैनल है सिर्फ विजू बाबा इन्फोटेक के नाम से, और एक ही चैनल पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, इसके अलावा मेरा कोई भी चैनल नहीं है। पिछले दिनों जैसा कि 100K सब्सक्राइबर्स अपनों ने पार किए हैं और काफ़ी अच्छा सहयोग आप सभी किसान भाइयों को मिला है, तो उन लोगों से आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। ऐसे लोगों का यहाँ पर कोई वजूद नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। इस कारण मैं आप सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि थोड़े सतर्क रहिएगा। और किसान भाइयों, उन लोगों का भी यहाँ पर इलाज मेरे द्वारा किया गया है, आईटी सेल में जो है उनके ख़िलाफ़ मैंने जो है रिक्वेस्ट डाल दी है। अब कुछ ही दिन में जो है आईटी सेल सक्रिय हो जाएगा और उनके खिलाफ़ जो भी एक्शन लेगा, और लेना भी चाहिए, क्योंकि किसी का फ़ोटोज़ अगर यूज़ कर रहे हैं आप, किसी का थंबनेल अगर चुरा रहे हैं, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो आइए देख लेते हैं बदनावर मंडी से प्याज की रिपोर्ट। किसान भाइयों, ऊपर में प्याज बिका है आज 1530 रुपये तक, यानी कि 1530 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर सुपर VIP एक्स्ट्रा क्वालिटी जो है 55 mm से लगा करके 65 mm का जो प्याज है वो बिका है 1530 के आसपास। वहीं अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट, जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको कि कल की बजाय थोड़ा सा आज अच्छा देखने को मिल रहा है। आवकों पर लगातार मंडियों में कंट्रोल देखने को मिल रही है, क्योंकि दोस्तों अब लगभग लगभग प्याज जो है लोगों के पास प्याज रखा तो है, लेकिन जो प्याज बेचना चाहिए लोगों को वह प्याज किसान भाइयों ने लगभग निकाल दिया है। जो क्वालिटी लेस प्याज आ रहा था वो लगभग लगभग अब थोड़ा सा कम देखने को हमें मिला है पिछले दिनों से। तो इसका क्या कारण हो सकता है ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि किसान को ज़रूरत होगी तो वो प्याज निकालेगा, नहीं ज़रूरत होगी तो वो नहीं निकालेगा। इस प्रकार अच्छा रेट मिला है आज, इंदौर मंडी का भी अच्छा रेट रहा है और बदनावर मंडी से भी 1530 के आसपास कुछ एक लोट बिके हैं। वहीं क्वालिटी के हिसाब से अगर शाम तक और कुछ क्वालिटी आती है तो पूरे पूरे चांसेस है कि 16 रुपये तक प्याज आज बिक सकता है, अगर ऐसा ही मार्केट रहा है तो। किसान भाइयों, उम्मीद करूँगा कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और ये हमारी जो सेवाएं हैं अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिएगा, और दोस्तों ऐसे लोगों से बच के रहिएगा जो कि मेरा थंबनेल और मेरा फ़ोटो अपने वीडियोस में यूज़ कर रहे हैं। किसान भाइयों, एक बात और मैं आपको क्लियरली कर दूँ कि जो भी मैं जानकारी देता हूँ कैमरे के सामने देता हूँ, बाय फेस जो है आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश में करता हूँ, आप थोड़ा सा समझिएगा, उम्मीद करूँगा कि आप समझने की कोशिश करेंगे, और ऐसे लोगों का सपोर्ट आप मत कीजिएगा जो कि एक धोखाधड़ी का काम यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए किसान भाइयों, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए और लेटेस्ट जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।